विदिशा के नगर पठारी में 26 सितंबर को कांग्रेसियों ने बाजार में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के विरोध में बाजार बंद रखा और लोगों से समर्थन मांगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निशंक जैन के निर्देश पर 27 सितंबर को बाजार बंद का समर्थन लोगों से मांगा। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यादव सिंह यादव एवं पठारी प्रभारी नितिन जैन ने बाजार में अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की है। वहीं हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पठारी में बिजली व्यवस्था निरंतर बिगड़ने पर जल्दी आंदोलन की चेतावनी दी। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। क्या हो सकता है जो दिल्ली में एक साल से किसान बैठे हुए हैं, उन किसान संगठनों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है 27/9/2021 दिन शुरू दिन सोमवार को। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है और ये जो मशाल जुलूस आज 26 तारीख को जो निकाला जा रहा है वो उसका आक्रोश है। लोगों को जागृत करने के लिए, इस मशाल जुलूस के माध्यम से लोगों को जागृत करने के लिए हम ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं कि लोग बाग किसानों का बाजार बंद करने के माध्यम से उनका समर्थन करें। पठारी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश क्षेत्र में बिजली की, पानी की, बेरोजगारी की समस्या आ रही, इस पर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार बिजली पानी के मुद्दे पर हर तरीके से फेल। मैंने आज देखा, मैं पठारी प्रभारी बन के आया, बताया यहाँ के लोगों ने कि यहाँ बिजली का पता ही नहीं रहता। यही हाल पूरे प्रदेश का है। बिजली की तरफ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और उसके विपरीत बिल चौगुने और छह गुने आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सिर की एक बड़ा आंदोलन करेगी और हर ब्लॉक स्तर पे इसका विरोध करेगी। जो बड़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं उनके खिलाफ भी हम अध्यक्ष जी से मिलकर बहुत जल्दी नई कार्य योजना बनाकर उस पर अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।